तो आज हमारे गांव में पात पदप मैच शुरू हो गया है और इस मैच को खेलने के लिए दूर दूर के प्लेयर आए हैं जो अभी ग्राउंड में बैठे हैं, ग्राउंड में खड़े हैं। देखिए चार खिलाड़ी हैं जो काफ़ी दूर दूर से हैं और इस मैच में काफ़ी रोमांचक मैच होगा। दूर दूर खिलाड़ी चार टीमें हैं पात पदक मैच में जो हिस्सा ली हैं। और आइए यहाँ की जानकारी लेते हैं कि पात पदक मैच कब से शुरू हुआ, कहाँ से प्रारंभ हुआ। तो एक बच्चे से पूछते हैं, बाबू ये पात पदक मैच कब से प्रारंभ हुआ? ये पात पदक मैच हमारे दादा परदादा के समय से खेला जला। हाँ, ये में हमारे दादा परदादा पाते पाते मर गए लोग, तब से ये खेल बहुत फेमस हो गई और ये खेल खेले खातिर बहुत दूर दूर से प्लेयर आवे ना सर। तो देखिए इस बच्चे का कहना है कि ये पात पदक जो मैच है हमारे दादा और परदादा के ज़माने से है और इसमें इनके दादाजी हैं पाते पाते मर गए, तब से ये खेल फेमस हुआ, तभी से ये लोग खेल रहे हैं। तो बाबू इस मैच में क्या विलम्ब है, मैच क्यों नहीं हो रहा है? अबे हमारे नेताजी आओत ना तब फीता कटिया तो ये खेल शुरू हुई। देखिए इनके नेताजी का इंतजार हो रहा है, जिनके नेताजी हैं आएंगे और फीता काटेंगे तब ये मैच शुरू होगा। तो आइए थोड़ा नेताजी को देखते हैं, इंतजार करते हैं। तो वो देखिए हमारे गांव के करिया नेता आ गए जो हमारे गांव के झाटू गांडू और झाटू खारू नेता हैं। और रे साला कर्मठ सुशील जुझारू नेता कहल जाला। हाँ हाँ, तो ये जो भाई साहब बोल रहे हैं कर्मठ, वही नेताजी आ गए हैं, अपने हल्के हल्के कदमों से आ रहे हैं। देखिए कैसे नेताजी, चलिए फीता काटिए, खेल स्टार्ट कराया जाए, बहुत देर से लोग बेचैन हैं। बाबू ये फीता काटने के लिए नेताजी। अरे महाराज, फीतवा को पोलियो हो गया था इसलिए पतला हो गया है, काटिए ना। आपको इससे क्या मतलब है, पब्लिसिटी कमाना है? पब्लिसिटी काटिए, पहले फीता काटिए। ताली मारो भाई, ताली मारो। चलिए थोड़ा पब्लिक से परिचय हो जाए, खिलाड़ियों से परिचय हो जाए। हमारा नेता कैसा हो, करियवा नेता जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, करियवा जैसा नेता हो। तो नेताजी आइए लंड मंच पे विराजमान होइए। अरे बेवकूफ, लंड मंच नहीं रंग मंच होता है, रंग मंच। चलिए नेताजी, जो ये भाई साहब बोल रहे हैं, आप विराजमान होइए, विराजमान होइए। चलिए चलिए। तो नेताजी आइए, देखिए हमारे गांव में आज आ चुके हैं पात पदक मैच में फीता काटने के लिए, तो इनके लिए पानी की व्यवस्था किया जाए। बाबू पानी की व्यवस्था किया जाए। अरे भैया रसगुल्ला तो पिल्ला लेके खा गए बाबू, तो क्या करें, बस आस्था नेता बिस्कुटी उठा के ले लिया, या उठा के। तो नेताजी आप पानी पीजिए। क्या देख रहे हैं, बिस्कुट पानी पियेंगे? पानी पी लिए तो बाबू बिस्कुट ले जाओ। तो आइए हम नेताजी के मुंह से सुनते हैं, नेताजी अपने मुंह से थोड़ा दो शब्द बोल दीजिए। हाँ, तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आप लोगों से कहना चाह रहा हूँ कि गांव गांव में विकास होगा, गली गली में बलात्कार होगा। नेताजी बलात्कार नहीं, चमत्कार हुई, चमत्कार। सॉरी सॉरी भैया, आप लोगों से मैं क्षमा चाहता हूँ, बलात्कार नहीं चमत्कार होगा। तो देखिए हमारे नेताजी गांव-गांव में बलात्कार नहीं चमत्कार करेंगे और आप लोग इस बार इन्हें भारी से भारी मतों से विजयी बनाइए और इनको जिताइए। नेताजी अब मैच प्रारंभ किया जाए। एकदम करिए करिए। तो चलिए अब मैच को प्रारंभ किया जाए। तो सबसे पहले भाई साहब आपका नाम क्या है? बोकाराम हमारा नाम है और आज बानी हम आजमगढ़ जिला से। हाँ, मुरई 3-4 किलो खाइले बानी कि लेकिन मैच हम ही जीत के जाए भाई, कितनो आवल हो लेकिन मैच हम ही जीत। अब देखिए ये बोल रहे हैं कि ये मैच हम ही जीतेंगे, इनका नाम बोकाराम है। अब अगले के पास चलते हैं। भाई साहब आपका क्या नाम है? हमारा नाम लोटा नाम है
और हम 10 पैकेट सोदी हरे खा कर आए हैं और 20 लीटर पानी पी कर आए हैं। हम अपने दम पाए हैं कि ये मैच हम जीत कर जाएंगे। देखिए जुझारू पर जुझारू खिलाड़ी लग रहा है, ये पूरा हौसले के साथ बोला है कि हम जीत के जाएंगे। हौसले के साथ बोलते हैं और सोदी हरे 10-10 पैकेट सधाते हैं। अब देखिए अगला जो है भाई, आपका नाम क्या है? कटोरा राम सतुआ खा के अलबनी जीता हमारी तो पदवा तो उड़िया जी सबे के हुए। देखिए भाई ये हमारे कटोरी राम है, ये बोल रहे हैं कि हम सतुआ खा के आए हैं। अब अगला भाई साहब के देखिए क्या बोल रहे हैं। भाई साहब का क्या नाम है? गधा राम। मेरा नाम गधा राम है, मैं खुलास जीतूंगा। अच्छा तो इनका कहना है कि मैं खुलहा जीतूंगा। ये जो गधाराम है इनका अभी से दावा है कि मैं जीत गया हूँ, खुलहा जीतूंगा। तो सबके पात्र पर्चे हो गया, अब मैच प्रारंभ किया जाए। अब ये जो हमारा ग्राउंड है भाई साहब, ग्राउंड दिखाइए। इस ग्राउंड में होगा मैच, दो राउंड होगा। जो फर्स्ट राउंड हारेगा वो निकल जाएगा, इसमें एक बस चांस दिया जाएगा और सेकेंड चांस में वो फाइनल जीत जाएगा। तो मैच शुरू किया जाए, तो इनमें से पहला राउंड कराया जाए किस किस में से। पहला गधाराम और बोकाराम से शुरू करते हैं हम लोग फाइनल मैच की शुरुआत करते हैं। तो आप ग्राउंड में आइए, गधाराम और बोकाराम ग्राउंड में आइए। तो यहाँ आप खड़े हुए और भाई साहब आप यहाँ खड़े हुए और मैच पारना स्टार्ट कीजिए। जो पांच बार पारना है आपको, जो पांच बार में मिस कर जाएगा वो मैच हार जाएगा। स्टार्ट कीजिए। एक, दो, तीन, चार। ये क्या, ये भाई साहब तो हक दिए पैट में, ये लग रहा है मिस कर दिए। और ये भाई साहब भाग रहे हैं कैसे अपने गार्ड आपके देखिए, और भाग गए। इस साल के इस साल के प्रथम बार विजेता हमारे बोकाराम जी हो गए हैं। अब ये फाइनल के लिए चुने जा चुके हैं। अब अगला मैच वो लोटाराम और कटोरी राम के बीच होगा, तब तक ये फाइनल के लिए चुने जा चुके हैं और कटोरी राम में। तो भाई साहब आइए आप मैच स्टार्ट कीजिए। तो आप देखिए स्टार्ट हो गया लोटाराम कटोरी राम में, पारना स्टार्ट कीजिए भाई साहब। एक, दो, तीन, चार। और ये क्या, और ये देखिए इनको क्या हो गया, लग रहा है ढकनी पलट गया कटोरी राम का। ये देखते क्या एम्बुलेंस, भाई साहब आप लोग आइए जल्दी से एम्बुलेंस में ले जाइए लादिया और इसका दवा कराइए, इलाज कराइए। और इसी तरह हमारे विजयी भावा हो गए लोटाराम, इस साल के विजेता मतलब सेकेंड बार में चांस मारने वाले लोटाराम है। अब इनका एंट्री हो चुका है फाइनल के लिए। देखिए कैसे उछल कूद रहे हैं, लग रहा है फाइनल जीत के जाएंगे। अब अगली पारी स्टार्ट किए जाए फाइनल के लिए। अब बुलाते हैं हम बोकाराम और लोटाराम में फाइनल मैच रखा गया है, चलिए बोकाराम को। तो अब फाइनल मैच कराया जाएगा लोटाराम और बोकाराम के बीच। इस फाइनल में देखिए बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि दो दुधारू खिलाड़ी हैं जो मतलब मुरई उरई सब खा के आए हैं, अपने आप को मतलब बड़कवा वो समझ रहे हैं कि हम जीतेंगे चैलेंज मार के आ रहे हैं ग्राउंड में। अब चलिए अब बुलाते हैं लोटाराम और बोकाराम। लोटाराम आइए, आज फाइनल कराया जाएगा आप दोनों के बीच में, ग्राउंड में आइए। और इस बार आपको 7 बार पादना है, 7 बार पादना है, एकदम टिकाऊ पादना है, बिजोर पादना है जो पूरे पब्लिक को सुनाई दे। तो चलिए अब इनका पाद स्टार्ट किया जाए। तो पादना स्टार्ट कीजिए। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह। ये क्या निकलते नहीं, भेटियां अटक गई। बोकाराम लग रहा है हारेंगे, क्योंकि इनका ये गैस नहीं निकल रहा है, ठुसा बम मार रहे हैं। अब देखिए इनका क्या है, लोटाराम लास्ट तगड़ा पास पास में लगा, अरे वाह लोटाराम तो जीत गए लोटाराम, और बोकाराम का गैस निकल ही नहीं रहा है। बोकाराम देखिए कैसे रो रहे हैं, लोटाराम विजयी भवा हो गए। अब देखिए यहां का विजयी भवा लोटाराम, इस साल के 5 पदक का विजेता हमारे लोटाराम है। इनको ग्राउंड से बाहर ले जाया जाए और इसे सम्मानित किया जाए, पुरस्कार दिया जाए। इधर चलिए, इधर 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 इधर। अरे बड़ा सपना भैया। रो मत हमारे गांव में हम तक जीता, हमारा सपोर्ट है पूरा तक। रो मत तो हम तक जीता हो गए। भाई साहब आपको हारने के बाद से कैसा फील हो रहा है? अरे भैया बड़ा फील होता। आप तो चैलेंज मार रहे थे खुला कि इस बार हम जीतेंगे, इस मैच में हम विजेता होंगे, तो कैसे हार गए आप? अरे बेटिया अटक गई ला।
तो कोई बात नहीं, अगले साल आइएगा, अगले साल ज्यादा मुरई खा के आइएगा, आपको विजेता बनाया जाएगा दम पे सोदी। अरे मुरई ये सब खा के आएंगे ना तो ज्यादा पा देंगे, आप मिस कर गए लास्ट राउंड में, कोई टेंशन मत लीजिए, उसे उठाया जाए। चलिए आपको विजेता का नहीं, उप विजेता का कप जरूर दिया जाएगा। तो चलिए नेताजी कहाँ हैं, तो विजेता का कप जीतिए, हमारे आज के विजेता हैं लोटाराम, जो देखिए कैसे छाती फुला रहे हैं, और अब इनके लिए पब्लिक थोड़ा ताली मार दे। आज के जिंदाबाद जिंदाबाद, तो आप विजयी भव कप दीजिए, विजेता कप दीजिए लोटाराम को, और इनका सम्मान कीजिए मेडल के साथ। नेताराम अब अगला है, अब यहाँ पे साइड हुई है लोटाराम, उप विजेता का जो है मेडल डालिए इनमें, जो बहुत अरमान लेकर आए थे, लेकिन एक चांस मिस कर जाने से ये मेडल दीजिए इनको सम्मान की उप विजेता से। अब चलिए भाई सब साइड हुई है, थोड़ा इनको भी मेडल दे लीजिए। अब अगला हमारा कलाकार आए आप, अब इनका मेडल हमारे नेताजी सम्मानित करते हुए सभी खिलाड़ियों को। अब अगला खिलाड़ी ऐसी तरह चारों को मेडल दे दिया गया, और हमारे नेताजी सम्मानित किए, जो इस साल चुनाव में उठने वाले हैं, सभापति का चुनाव उठेंगे हमारे नेताजी, इनको भारी से भारी मतों से विजयी बनाइए आप लोग। और इसी तरह हमारा खेल हर साल के बाद इस साल भी समाप्त हुआ, और विजयी हमारे आज के रहे लोटाराम विजेता, जो इनके लिए ताली मार रहे हैं, जयकारा लगाया जाए, लोटाराम जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारा नेता कैसा हो करियवाल नेता जाए। टीम के जो टीम है हमारा यही सब है, तो आज की वीडियो बनाए हैं, इस वीडियो को एक बार देखिए और शेयर कीजिए, लाइक सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अभी नया टीम बना है, थोड़ा मतलब प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन सीख जाएंगे धीरे धीरे, तो आप लोग शेयर और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, वीडियो दबा के शेयर कीजिए, ताकि थोड़ा इनका भी मनोबल बढ़े, बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें।